और इसराइल ने दक्षिण लेबनान में हवाई हमला किया है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। फारकेला, मोरोन, एर्रास और मरकाबा के इलाकों में हवाई हमले हुए हैं। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल की सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इन हमलों में हिजबुल्ला के ठिकाने तबाह होने की भी बहुत बड़ी जानकारी वहां से मिल रही है। और ब्रिटेन, ईरान, इसराइल की जंग में अब कूद गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसराइल की मदद के लिए लड़ाकू विमान तैनात करने का ऐलान कर दिया है। सुनक ने इसराइल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा करते हुए इन हमलों के गैर जिम्मेदाराना हरकत उन्हें बता दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रॉयल एयरफोर्स की तारीफ करते हुए दावा किया है कि ब्रिटेन के फाइटर जेट्स ने ईरान के कई ड्रोन को मार गिराया है। I can confirm that our planes did shoot down a number of Iranian attack drones. I don't want to pay tribute to the bravery and professionalism of our pilots flying into the face of danger to protect civilians. और ईरान और इसराइल के बीच में तनाव अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इन सब के बीच जॉर्डन के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने एमान अल सफादी के बयान यहां पर दिया है कि ईरान की मिसाइल उनके एयर स्पेस में आ गई थी, इसीलिए उन्हें मार दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसराइल के ड्रोन भी हमारे एयर स्पेस में आते तो हम उन्हें भी इसी तरह मार गिराते। ईरान की मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर की है और जॉर्डन ने ईरान के राजदूत को भी तलब कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान इसराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये जो तनाव बढ़ रहा है, तकरार बढ़ रही है, वो पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा या फिर कहें कि खतरे की घंटी यहां से साबित हो सकता है। سيارة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضررا بالأردن وتهديدا بالأردنيين وحدث في السابق أن سقطت صواريخ الأردن وسقطت مسيرات الأردن وهذه سياسة ثابتة كل ما يشكل خطرا على الأردن نتصدى له أولويتنا حماية الأردن حماية أرواح الأردنيين حماية مقدرات الأردنيين حماية أمن واستقرار البلد وبالتالي كان هنالك تقييم بأن هنالك خطر حقيقي لأن تسقط هذه المسيرات أو هذه الصواريخ على الأردن و ईरान जिस मिसाइल पावर की धौंस जमाता है उसके मामले में इसराइल भारी पड़ता है। इसराइल की एक मिसाइल ही ईरान में खूनी कोहराम मचा सकती है। नाम है जेरिको मिसाइल। इसराइल ने इस मिसाइल पर 1960 के दशक में काम शुरू कर दिया था। मिसाइल का नाम वेस्ट बैंक में मौजूद बाइबल शहर के नाम पर रखा गया था। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल शुरू में फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट के सहयोग से बन रही थी। बाद में इसराइल ने इसे अपने दम पर तैयार किया। मौजूदा समय में जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल के 3 सिस्टम इसराइल के पास हैं। इसकी क्षमता 4800 से 6500 किलोमीटर तक है।